बड़ी खबर बांदा से आ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी की तबियत बिगड़ी है। आपको बता दें कि तबियत बिगड़ने के कारण मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मुख्तार के सभी जरूरी टेस्ट किए गए हैं, तो एकदम से हालत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी रख रही है। तो बड़ी खबर बांदा से आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी की एकदम से तबियत बिगड़ने के कारण मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मुख्तार अंसारी की अब हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं सभी जरूरी टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के डॉक्टरों की टीम भी लगातार मुख्तार अंसारी की हालत पर निगरानी रख रही है। तो बड़ी खबर बांदा से है, जहां मुख्तार अंसारी की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर फिरोजाबाद से है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान शिवम उर्फ शिम्मा के पैर में गोली लगी है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। अन्य चार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बंशीधर फार्म हाउस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर पे गोली लगी है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। दो तवंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा भी पुलिस ने आरोपियों के पास से बरामद किया है। तो थाना टुंडला क्षेत्र के टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस और आरोपियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। तो आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान शिवम उर्फ शिम्मा के पैर में गोली लगी है। वहीं अन्य चार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इन अभियुक्तों के खिलाफ बंशीधर फार्म हाउस पर फायरिंग करने का आरोप लगा था। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था। तो आपको बता दें कि ये आरोपियों के ऊपर फायरिंग करने का आरोप लगा था। दो तवंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा भी इन आरोपियों के पास से पुलिस ने बरामद किया है। थाना टुंडला क्षेत्र के टोल प्लाजा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।